हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू द टॉपिक मार्केट स्ट्रक्चर सो मार्केट स्ट्रक्चर रेफर्स टू नंबर एंड टाइप ऑफ फर्म्स ऑपरेटिंग इन द इंडस्ट्री मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितनी और किस तरह की फर्म्स एक इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं दैट आपको पता है कि बहुत सारी फर्म्स मिलकर एक इंडस्ट्री को बनाती हैं सो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कितनी और किस तरह की फर्म्स एक इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं सो मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर हम मार्केट्स को क्लासिफाई करते हैं सो विल नो कि कौन से बेसिस हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम मार्केट को डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में हैं फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स बायर्स का नंबर बड़ा डिपेंड करता है और सेलर्स का नंबर बड़ा डिपेंड करता है बिकॉज इससे पता चलता है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस करेंगे या नहीं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लार्ज नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स हैं एक मार्केट में तो वो प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते दे हैव टू टेक द प्राइस दे आर द प्राइस टेकरस वेयर एज अगर एक सिंगल सेलर है कमोडिटी का एक मार्केट में तो वो प्राइस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर सकता है सो so, वो प्राइस मेकर होता है बिकॉज उसको पता है कि मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन नहीं आया उसके पास बिकॉज वो एक तो सिंगल सेलर है उसको पता है कि वो कितना भी प्राइस चार्ज करें पीपल विल परचेज बिकॉज वो एक सिंगल सेलर है उस कमोडिटी का सो नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ कमोडिटी अब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है बिकॉज अगर तो होमोजीनियस प्रोडक्ट है होमोजीनियस का मतलब होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सेम प्रोडक्ट्स वो बेच रहा है तो वो यूनिफॉर्म प्राइस में होगा बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो वो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो वो अपना डिफरेंशिएटेड प्राइस नहीं चार्ज कर पाता वेर एज़ अगर वो एक डिफरेंशिएटेड नेचर के प्रोडक्ट को बेच रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट को ले लो बहुत सारी टूथपेस्ट हैं सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं कोई ना कोई उनके अंदर इनोवेशन है, तो वो डिफरेंशियट प्राइस चार्ज कर सकता है बिकॉज उसका प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है टू सम एक्सटेंट लेकिन ओवरऑल लाइक like, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है प्राइस का वो अपने थोड़ा कंट्रोल कर सकता है प्राइस को लेकिन अगर उसका कोई नो क्लोज सब्सटिट्यूट है लाइक like रेलवेज तो वो ज़्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकता है अपनी कमोडिटी का बायर्स से सो इसलिए कॉमोडिटी के नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि प्राइस कैसा होगा जैसे कि अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो यूनिफॉर्म प्राइस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट है तो डिफरेंट प्राइस अगर कोई क्लोज सब्सटीट्यूट ही नहीं है तो हायर प्राइजेस भी चार्ज करे जा सकते नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फ़र्म्स जब एंट्री और एग्जिट फ्री होती है एक मार्केट में तो प्राइस होता है स्टेबल बिकॉज देयर इज़ कॉम्पिटिशन कुछ फर्म्स आ रही हैं कुछ फर्म्स जा रही हैं वेयर एज़ अगर रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री और एग्जिट में इन द मार्केट तो जो फर्म होती है वो प्राइस को बहुत इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज उसको किसी तरह का डर नहीं होता कि कोई कॉम्पिटिशन है कोई मुझसे कम प्राइस पे सेल कर सकता है बिकॉज उसे पता है कि इस फर्म में या इस मार्केट में आने के लिए उस फर्म को बहुत सारी लीगल फॉर्म लीगल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करना पड़ेगा तो प्रोसेस जो होता है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है हो सकता है कि सारी फर्म्स उनको ना फॉलोअप कर पाएँ और हो सकता है कि कोई पेटेंट्स या कॉपीराइट्स का प्रॉब्लम हो तो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन तो वो प्राइस को बड़ा इन्फ्लुएंस करता है सो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ मार्केट एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक मार्केट में उसके प्राइस के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर भी नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस जब बायर्स और सेलर्स को बहुत अच्छे से पता है कि मार्केट में क्या कंडीशंस चल रही हैं दैट मीन्स परफेक्ट नॉलेज है तो प्राइस जो होता है वो यूनिफॉर्म प्रिवेल होता है बिकॉज कस्टमर और कस्टमर uh, और सेलर दोनों को पता है कि क्या प्राइस चल रहा है मार्केट में परफेक्ट नॉलेज है तो वो यूनिफॉर्म प्राइस को ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता लेकिन अगर इम परफेक्ट नॉलेज है तो डिफरेंट प्राइजिज चार्ज करे जा सकते हैं लोगों से कस्टमर्स से बिकॉज कस्टमर को प्रॉपर नॉलेज नहीं है उस मार्केट के बारे में तो सेलर उससे हायर प्राइस चार्ज कर सकता है सो दिस इज़ नॉलेज ऑफ़ मार्केट कंडीशंस की ये भी बहुत इन्फ्लुंस करती है प्राइस का इनका मार्केट में देन नेक्स्ट पॉइंट इज मोबैलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन हेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डज इन मीन लैंड एंड एवरी थिंग बिकॉज उनकी तो मोबैलिटी होती ही नहीं है बिकॉज दे आर फिक्सड एसेट्स उनको हम मूव कर नहीं सकते सो so, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स कि वो चीज़ें जैसे कि रॉ मटेरियल हो सकता है कि हम कुछ ऐसी इंडस्ट्री में हैं जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को मूव नहीं कर सकते मोबाइलिटी नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते अगर लेकर जाना पड़े तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है तो जो प्राइजिज़ हैं वो ज़्यादा होंगे बिकॉज़ उसकी प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस रहा है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रही है वेयर एज अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप ईज़िली एक रॉ मटेरियल है उसकी जो जो चीज़ें उनको बदलने के लिए चाहिए से उनका मशीन्स वगैरह वह ईजीली मिल जाती हैं कोई कॉपीराइट्स का नहीं है या सस्ती हैं तो उसका प्राइस काफ़ी यूनिफॉर्म होता है लेकिन अगर गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम मोबाइलिटी नहीं है इजीली अवेलेबल नहीं है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए परेशानी आती है तो उसके प्राइसेस कंपैरेटिवली हायर होंगे बिकॉज़ डिफ्रेंशिएटेड प्राइस प्रिवेल हुआ मार्केट में लेकिन अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ईजिली मूव कर सकते हैं तो यूनिफॉर्म प्राइस प्रिवेल होगा सो दिस इज़ अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर एंड बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पांच बेसिस हैं यहाँ पे हमने कहे नंबर ऑफ़ बायर्स एंड सेलर्स नेचर ऑफ कमोडिटी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्म्स नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशंस एंड मोबैलिटी ऑफ गुड्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सो दिस इज अबाउट टू टॉपिक होप यू गाइज लाइक द वीडियो सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू Uh, like, share, and comment. And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon next to the subscribe button. Till then, bye bye. See you in the next video.